ilikshana adi inject aya ha inject daant to nazar aa rahe hain ye matlab हाँ कैसा मजा आया खाने में मजा आया बढ़िया पिकनिक लगा ना बिल्कुल देर ऊपर मूर्ति बन ऊपर जाना चाहिए आपको ओ अरे बाप रे नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा ज़ूम करती हूँ हाँ ये मंदिर नहीं है क्या है ये अच्छा आज मजा आ गया पिकनिक लगा एकदम पिकनिक कर रहे हैं ना खाना भी बढ़िया था अच्छा लगा देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया सेटिंग है हम लोगों के लंच का आज प्लान करके भी ऐसा स्पॉट नहीं मिलता है अचानक से रुके और सब खाना वाना खा लिए खाना रेडी था ये देखिए अभी भी बाइंडिंग अप चल रहा है खाना खा लिए मजा आया पिकनिक का मजा आया ना है ना बढ़िया जगह है तो दोस्तों ताबो से निकलते ही हम लोगों को रास्ते में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये आउटपोस्ट मिला जहां हम लोगों ने डिसाइड किया कि लंच खत्म कर लेते हैं अपना हम लोग आज कल्पा बैक कर रहे हैं लेकिन हम लोग रास्ते में ग्यू मोनास्ट्री विजिट करते हुए नाको क्रॉस करते हुए हम लोग कल्पा निकलेंगे शायद देर रात हो जाएगी कल्पा पहुंचने में ताबो से ग्यू विलेज का डिस्टेंस करीब 40 किलोमीटर है एंड इट्स एलिवेशन इज अराउंड 10,000 फीट हम लोग अभी हुरलिंग विलेज क्रॉस कर रहे हैं We are on the way to Gyu Monastery. कुछ और 5 किलोमीटर है आगे तो वहाँ पर एक किसी लामा का बहुत पुराना मम्मी रखा हुआ है उसी को देखने के लिए जा रहे हैं उसी के लिए वो फेमस है मोनास्ट्री Gyu is a remote village in Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh in India with just around 100 households. In this little village lies the perfectly naturally preserved 600 years old mummy of a Buddhist monk from Tibet named Sangha Tenzing. After the earthquake of 1975, it was found in a stupa in a sitting position. With its hair and teeth intact, the ITBP rediscovered this mummy during excavation and road work. People visit Gyu Monastery just to see this mummy, which is the most astonishing thing you will ever see.
सो गाइज वी हैव रीच्ड गुहे मोनेस्ट्री जहाँ पर मम्मी रखी हुई है, अंदर चल के देखेंगे हम लोग। शायद बंद होने का टाइम हो गया है, देखते हैं, जल्दी से अंदर जाते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मोनेस्ट्रीज ना 4, 4:30, 5 बजे और या 6 बजे के अंदर बंद कर देते हैं, सनसेट से पहले ही बंद कर देते हैं। ओके मम्मी खुला है, आप यहीं के हैं? अच्छा आप ही घूमने आए हैं? नहीं हमारा ये गाड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कितना पुराना होगा? ये जो मम्मी है वो 500 साल। 500 साल? अच्छा अच्छा अच्छा। और ये तो अभी मॉनेस्ट्री बन रहा है। यहाँ मोस्टली सभी मॉनेस्ट्रीज नए से बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओल्ड मॉनेस्ट्री आपको ताबो मिल जाएगी। हाँ हाँ, ताबो वाला आपका था। ओल्ड है, उसके बाद की मॉनेस्ट्री ओल्ड है, लालूंगा ओल्ड है, बुंगरी मॉनेस्ट्री है। कहाँ से खुला, पीछे से जाना? हाँ ये साथ में छोटा सा बना हुआ है, उसके अंदर रखा उसके अभी भी दांत और। अच्छा दांत वगैरह है, आराम से देखिए। बंद कर दिया? नहीं नहीं ओपन है। सो ये है दोस्तों गियो मोनेस्ट्री, और जो मम्मी है वो इस यहाँ पर रखा हुआ है। देखते हैं चल के, जूते उतारने पड़ेंगे। संगा तेंजिंग एक बौद्ध लामा थे जिनकी मृत्यु कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला है कि 1430 ईस्वी में यहीं हुई थी। इस जगह पर 6 स्तूपा हुआ करते थे जो 1975 के भूकंप में पूरी तरह से नष्ट हो गए। 1981 में ITBP जब खुदाई का काम कर रही थी तो उन्हें ये मम्मी यहाँ मिला था। दांत तो नजर आ रहे हैं। ये मम्मी को सुरक्षित रखने में किसी भी रासायनिक का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। द मम्मी इज अ टाइनी एंड फ्रेजाइल बॉडी विच इज सिटिंग हंच्ड। इट हैज अ चॉकलेट ब्राउन कलर। वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन द लैप एज इफ इन ध्यान मुद्रा। द अदर हैंड इज स्लाइटली ट्विस्टेड बिलो द चिन। Mummies are normally chemically preserved by embalming, but the Gyu mummy is a naturally preserved one. This is a stark difference from the bandaged mummies that are seen in Egypt and Sudan. The Lama mummy is covered in traditional white monk clothes inside a glass casing. Villagers say that its hair and nails continue to grow, but the teeth are still intact. Carbon dating by Oxford scientists has revealed that the Tibetan mummy dates back to 1430. ये नेचुरल मम्मी, नेचुरल मम्मी जो वर्ल्ड में शायद ही एक दो, वहाँ 6 स्तूप थे जो 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए। 81 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे और उसी समय खुदाई के समय उनकी। A total of 8 mummies are present in various monasteries of Ladakh and Spiti along with one in Kalimpong and Dehradun. There is the famous body of Kyabze Yongzin Ling Rinpoche, tutor of current Dalai Lama, who passed away 25 years ago, and his body is preserved in Macleodganj. The mummy of Gyu is an untold wonder. Most people visiting Spiti Valley don't know of its existence, and they just see the landscapes and culture of Spiti and go back home. Gyu is quite accessible, perched between Sumdo and Tabo, falling on a sharp incline from NH5. The village landscape is quite stunning, and the mummy has slowly started attracting tourism to this tiny village of about 100 households. The reasoning for embalming a body naturally is unique in the Buddhist culture. The hills hold many such secrets, and these are the stories that many villages in Spiti are waiting to tell. Go out of the way and experience this extraordinary existence. If you want something different and unique to experience in Spiti, you must visit Gyu village. You can travel to Gyu from April to December. The diversion road from NH5 to Gyu closes due to snowfall and opens only in April. The views are absolutely stunning and will not disappoint you at all. दोस्तों आज हिमाचल का ट्रिप खत्म हो रहा है। कल रात को बहुत देर रात में हम लोग कल्पा होटल पहुंचे
क्योंकि रास्ते में एक ट्रक खराब हो गई थी तो पूरा ट्रैफिक जाम था नाको के आसपास। तो हम लोग का प्लान तो था कि 10 बजे के अंदर कल्पा होटल में चेक इन करके रात को रेस्ट करके आज सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग चलेंगे चंडीगढ़ की तरफ, लेकिन पूरा कैलकुलेशन मिसकैलकुलेट हो गया। तो क्या करें, पहाड़ों में ऐसे होते ही रहते हैं। तो रास्ते में ही हम लोग बैठे रह गए 2 घंटे नाको के आसपास, फिर नाको में ही डिनर खत्म करके रात को 1:30 बजे हम लोग कल्पा पहुंचे। तो आज हम लोगों की अभी तैयारी है वापस चंडीगढ़ लौटने की। मैं जाते जाते आपको किन्नर कैलाश का एक व्यू मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। आज एकदम मौसम पूरा क्लियर है, धूप अच्छी निकली हुई है। ये है आज सुबह का किन्नर कैलाश का दृश्य आप सबके लिए। धूप निकली हुई है, बादल एकदम नहीं है, लेकिन इतनी धूप चमक रही है कि शायद कैमरे में आप लोगों को ठीक से नजर ना आए, क्योंकि मेरे फेस पे तो पूरी धूप आ रही है। रानी यानी कि पार्वती और इधर किन्नर कैलाश, सूरज एकदम ऊपर है, दोनों शिखर के बीच में है। ये देखिए ये लास्ट नज़ारा एप्पल के गार्डन्स हमारे होटल के आसपास। ओके दोस्तों, हिमाचल का टूर अब ख़त्म होता है और वापस घर की ओर। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरा सभी ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरी गुजारिश है कि मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को द वॉन्डरिंग रागा, एंड डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर ऑल्सो। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ द वॉन्डरिंग रागा। गुड बाय फ्रॉम हिमाचल। बाय बाय दोस्तों।